कराची का इंतहाई गुंजान आबाद इलाका लियारी एक अरसे तक खौफ और दहशत की अलामत बना रहा। ड्रग सप्लायर्स की आमाजगा, जहां गैंग्स की आपस की लड़ाई, पुलिस और रेंजर्स के हाथों सैकड़ों अफराद मारे गए। इस लियारी की कहानी का आगाज होता है शेरू और दादल से। शेरू और दादल कराची के सिनेमाओं में टिकट ब्लैक में फरोख किया करते थे, छोटी मोटी बदमाशी भी किया करते थे। कोई भी 5, 10, 20 रुपए देकर उनसे ये फैसला करवा लिया करता था कि फला शख्स ने मुझे मारा है, आप उससे बदला ले और उस शख्स की पिटाई करें। और ये कहानी शुरू होती है सन 1950 में, पाकिस्तान बनने के 3 साल बाद। छोटे मोटे टिकट ब्लैक करने से बात बढ़ी और बात मनशियात तक पहुंची, फिर रमी क्लब तक नौबत आई, उसके बाद सट्टे के अड्डे कायम हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये असलहे की स्मगलिंग, असलहे की खरीदो फरोख तक चले गए। और जब हाथ में असलहा आया तो फिर खत्ल और गारतगिरी का एक ना रुकने वाला दौर शुरू हो गया। असलहे की रेल पेल, स्मगलिंग के सामान और मनशियात ने इस इलाके को बिल्कुल खोखला कर दिया था। हालांकि एक वक्त था जब लियारी की तारीखी, जुग्राफियाई और सियासी अहमियत उसे कराची के तमाम दूसरे इलाकों से मुमताज करती थी। पाकिस्तान बनने से पहले ही लियारी सियासी तौर पर एक मुतहर्रिक इलाका माना जाता था। लियारी के 8 चौक पर गांधी जी ने जलसे किए थे, उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने भी एक जलसा 8 चौक पर किया था। उसकी वजह यह थी जो बंदरगाह, पोर्ट और पोर्ट से मुलहका इलाका था, जिसमें खारादर, मीठादर, कच्ची आबादी, मेमन आबादी, मकरानी और बलोचों की आबादी, बलूचिस्तान की वजह से ये जो आबादियां थी, यहाँ की मकामी आबादियां समझी जाती थी और इन आबादियों में बसने वाले लोग सियासी तौर पर बहुत मुतहर्रिक समझे जाते थे। जब पाकिस्तान की अशराफिया ने यह फैसला किया कि दारुल हुकूमत कराची से मुंतकिल कर इस्लामाबाद ले जाया जाएगा, तो उसके बाद हुक्काम बाला की उस इलाके से तवज्जे ख़त्म हो गई थी। और इस तवज्जे के महदूद होने के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर शुरू हुआ था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तनाज़ा था जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के साथ। ये कहा जाता है कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियों को ख़त्म करने या कम करने के लिए इस इलाके के लोगों को मनशिया की तरफ रागिब करके यहाँ ड्रग मनी का फैलाव कर लियारी के मकीनों की सियासी समझ बूझ को ख़त्म करने की हिकमत अमली शामिल रही थी। रहमान डकैत, बाबा लाडला, उजैर बलोच और अरशद पप्पू समेत बहुत से गैंगस्टर लियारी में ही परवान चढ़े और एक अरसे तक लियारी पर राज किया। लेकिन उन तमाम जराइम पेशा अफराद से निमटने के लिए पुलिस उस वक्त फाल हुई जब आग लगने लगी घर को घर के चिराग से। पुलिस के सिपाही और अफसरान अगवा होने लगे और भत्ता लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए अगवा किया जाने लगा। तब पुलिस ने भी ये फैसला किया कि इन जराइम पसंद अनासिर का सफाया करना बहुत ज़रूरी है। और पुलिस का ये फैसला कराची शहर की मोहब्बत में नहीं बल्कि अपनी जिंदगियों की बका के हुसूल के लिए था। चाहे पूरा शहर कत्लगाह बना हुआ था, उस वजह से नहीं बल्कि अपनी जिंदगियों के तहफ्फुज के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। इंस्पेक्टर चौधरी असलम से कोई बात छुपी हुई नहीं थी कि कौन सा गैंगस्टर शहर में कहाँ रहता है, लियारी में कहाँ रहता है। इंस्पेक्टर राव अनवार से कोई बात छुपी हुई नहीं थी। पुलिस के अपने तहफ्फुज की जब बात आई तो ये ऑपरेशन लियारी की उन पतली पतली गलियों में भी भरपूर तरीके से शुरू हुआ। पुलिस लियारी में जराइम पेशा अफराद की सफाई का इरादा तो कर चुकी थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लियारी में कई नौजवान दिन दिहाड़े इस शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिए गए कि वो गैर मुल्की ताकतों का आलयकार हैं। यहाँ लियारी में स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं जो गैर मुल्की फंडिंग पर कायम थे। ये कोई छोटा और मामूली किस्म का नेटवर्क नहीं था। जब उजैर बलोच को दुबई में रेड वारंट पर इंटरपोल के जरिए दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो वहाँ से रिलीज होने ही वाला था, रिहा
हुआ ही चाहता था कि पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मदाखलत की और उजैर बलोच को पाकिस्तान बुलवा लिया गया। लियारी में गैंग्स तो आपस में लड़ते ही रहे, लेकिन ये इलाका सियासी तनाजात को हवा देने के लिए भी इस्तेमाल हुआ था। सन 2009 में जब रहमान बलोच और रहमान डकैत का कत्ल हुआ था और 10 अगस्त सन 2009 में जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, तो उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने उस सारे मामले का इंतकाम और कार्रवाई का रुख MQM की जानिब मोड़ दिया और फिर ये कहा गया कि बलोच और उर्दू बोलने वालों के दरमियान होने वाले तनाजात अब ख़त्म होने जा रहे हैं, अब ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने जा रहा है। और ये कहना कि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने जा रहा है, होने का मतलब ये कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने जा रहा था।